सागर में दलित धन प्रसाद की जिंदा जलाकर मार डालने की घटना के बाद भाजपा ने सागर में सड़कों पर उतरकर जंगी आंदोलन किया और कमलनाथ सरकार पर कई आरोप लगाए। सभा में पूर्व सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि कमलनाथ सरकार के मंत्री अहंकार में ना रहें, इनके मुकुट उतारकर जनता जूतों से पीटेगी और रौंदेगी। सभा को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव सहित कई भाजपा नेताओं ने संबोधित किया। बाहर मत निकलना, कुछ परिवार के लोगों को बुला लिया गया, ऐसा बयान दे देना। अगर प्रदीप लारी अंतिम संस्कार में जाए, शैलेंद्र जैन अंतिम संस्कार में जाए तो रोका जाए, और अगर वह सम्मिलित हो और सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की बात करें तो यह कहा जाए कि इनको गिरफ्तार करो, इनके खिलाफ एफआईआर करो। अरे कितनों के खिलाफ एफआईआर करोगे कमलनाथ? दम है तेरे दमन में कितना देखा है और देखेंगे, आज हम निपटने आए। और बेटी पूजा, तेरे बहते हुए आंसुओं की कसम, जब तक तेरे पति के हत्यारों को सजा नहीं दिला देंगे, चैन से नहीं बैठेंगे, आराम से नहीं बैठेंगे। ये मजाक है क्या? आज 21वीं शताब्दी में एक बेटी विधवा कर दी जाए, उसके पति को जिंदा जला दिया जाए और तू सत्ता के सिंहासन पे कमलनाथ आराम से बैठ जाए, ये नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर।